हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है हम देखेंगे ऑटो कोलिमीटर। देखो यहाँ पर एक ऑटो कोलिमीटर इंस्ट्रूमेंट है। ये इंस्ट्रूमेंट जो होता है देखने के लिए, बेसिकली इसके काम पर ये सोचो कि एक जो मेज़रमेंट होगा वो मेज़रमेंट के जो सरफेस है उस सरफेस इसके साथ मिनिमम 0.5 मीटर टू 0.75 मीटर के डिस्टेंस पर हम ये मेज़रमेंट करेंगे। मतलब इसको बिठाएंगे, उसके बिठाने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि इसका मेज़रमेंट कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, हम बोल देते हैं कौन सा क्या है। सोचो कि ये ऑटो किलोमीटर है और इसका मूवमेंट होता है ऐसे करके, ये जो एरो है ऐसे करके ऊपर नीचे होता है, और इसके ऊपर ऊपर नीचे भी इसे स्लाइड कर सकते हैं। और इसका बेस है, इसका स्टैंड है, और ये यहाँ पर आईपीस है। ये आईपीस दिखता कैसे, ऐसे यहाँ पर स्केल होता है, और इसका जो वेरिएशन हम यहाँ पर स्केल के हिसाब से मेज़रमेंट करते हैं। और यहाँ पर एक माइक्रोमीटर होता है जिसके सहारे हम ये मेज़रमेंट लेते हैं इन द सेकेंड, मतलब डिग्री मिनट और सेकंड, ऐसे जो रीडिंग होता है वो सेकंड में लेते हैं। अब देखो यहाँ पर एक रे जाते हैं, ये रे सोचो कि ये सरफेस का जो लेंथ है 1 2 3 4 ऐसे करके, ये जो लेंथ है ये मेज़रिंग लेंथ है। ठीक है, ये मेज़रिंग लेंथ बस सैम्पलिंग लेंथ ऐसे कुछ बोल सकते हो। ये लेंथ एन नंबर तक है। ये एक रिफ्लेक्टर विथ स्टैंड है जो यहाँ से लाइट जाकर ये रिफ्लेक्टर पर काम करता है, और ये जो है गाइडेड सरफेस है जिसके ऊपर से ये मूवमेंट करेगा। तो मुझे पता है, तुम लोगों को पता है कि ये सरफेस एकदम स्मूथ सा नहीं होता, एक वही भी फॉर्म इरेगुलरिटी में होता है इन द सेंस ऑफ माइक्रो इरेगुलरिटी। तो ये इरेगुलरिटी कितने हैं ये हम राइट रिफ्लेक्टर करके यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर एक लाइट जो होता है ये पास होकर देखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक जो हमने यहाँ पर एक डायग्राम हम दिखाते हैं कैसे होता है। सोचो कि ये एक सरफेस प्लेट है, सरफेस प्लेट के ऊपर ये जो सरफेस है जो मेज़रमेंट किया जाएगा इसके ऊपर एक रिफ्लेक्टर यहाँ पर सेट है, जहाँ पर ये लाइट आकर रिफ्लेक्ट होकर फिर से यहाँ पर रीडिंग हम देखेंगे आईपीस के द्वारा। ठीक है, और ये एक ऑटो कोलिमीटर है जहाँ पर ये लाइट का सोर्स यहाँ पर जाएगा, और ये आईपीस है, इसमें से लाइट जाकर यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर फिर से यहाँ पर आएगा, जो मेज़रमेंट आईपीस से करेंगे माइक्रोमीटर के द्वारा। अब देखो इसका मेज़रमेंट कैसे होता है। देखो ये यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर होता है जो रिफ्लेक्टर एम नाम के हैं। अब देखो यहाँ पर ऑटो कोलिमीटर जो होता है ये आईपीस है, लेंस है। जब ये रे यहाँ पर जाकर फिर से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर आएगा, तो ये जो R1 R2 जो है इसका R1 R2 R1 के ऊपर ही होगा, मतलब D का जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। अब सोचो कि कोई रिफ्लेक्शन, कोई वही भी सरफेस है जहाँ पर ये रिफ्लेक्टर होगा, इसलिए लाइट जब पास होगा इसका एक एंगल में ये टिल्ट होगा, वो एंगल में टिल्ट होकर जाकर वो रिफ्लेक्ट होकर सोचो कि ये R1 में होना चाहिए था लेकिन R2 में उसका इमेज हो रहा है। तो ये जो डिस्टेंस मेज़रमेंट हम करेंगे, डी वाला जो डिस्टेंस है, ये आईपीस के द्वारा हम मेज़रमेंट करेंगे। ठीक है, ये यहाँ से लाइट सोर्स जो जा रहे हैं ये सब दिखा रहे हैं, ये सब ये मेज़रमेंट के हिसाब से हम नहीं बोल रहे, लेकिन यहाँ पर जो होता है जब मेज़रमेंट थीटा का एंगल लेते हैं वो कैसे होता है, ये डी का जो वैल्यू होता है डी डिवाइडेड बाय इसका जो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये जो लेंस है मतलब माइक्रोमीटर है, इसका जो डिस्टेंस होगा इसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। ये फोकल लेंथ अगर डी से डिवाइडेड करेंगे तो ये इजिकल टू होगा 2 थीटा। यहाँ से हम थीटा का जो एंगल है मेज़रमेंट कर सकते हैं इन द सेंस ऑफ सेकंड। ठीक है, ऐसे मेज़रमेंट होता है इसका जो वेरिएशन होता है। ठीक है, ये होगा ऑटोकोलोमीटर का वेरिएशन। ये मुझे लगता है तुम्हें ये
आसानी होगा ये वीडियो देखकर, ये थोड़ा सा पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू।